हेलो फ्रेंड्स, मेरे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कीमा गोभी। तो उसके लिए जो मैंने आधा किलो गोभी ले ली है, इसको मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि कैसे काटनी है। जैसे ये फूल उठाया और इसको ऐसे हम चाकू से बारीक बारीक काट लेंगे। सारी गोभी इसी तरह तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालूंगी। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालूंगी, थोड़ी हल्दी हम बाद में डालेंगे, और 1/2 टीस्पून नमक का डालूंगी। अब मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। गोभी को हम घी में थोड़ा फ्राई करेंगे, और साथ ही जी मैंने 1/2 कप हरे मटर लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, ये भी साथ में ही डाल देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये हमारी गोभी और मटर पक जाएं। थोड़ा सा गोभी मटर को मैंने 6-7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा गैस पर रख लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल को गर्म होने देते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरे का डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून हींग का। 7-8 कलियाँ लहसुन की ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। हल्का सा भूनेंगे, लहसुन को गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और साथ ही 2 हरी मिर्च ली है मैंने, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे और 2 हरी मिर्च ली है, वो भी डाल देंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, वो भी डाल देंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। हल्दी और नमक हमने गोभी में भी डाला था, तो हम देख के डालेंगे। 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं, आप स्वाद अनुसार डालिए। और 1/2 चम्मच ही हल्दी का डाल रही हूँ, 1/2 मैंने वहाँ पर डाला था। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और 1 टीस्पून गरम मसाले का डाल रही हूँ। मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट रखे हैं, वो भी डाल देंगे। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह पकाएंगे जब तक हमारा जो मसाला है वो तेल नहीं छोड़ देता। टमाटर को हमने घी छोड़ने तक पका लिया है। अब मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी, गोभी मटर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। मिक्स कर लेंगे सब्जी को। सब्जी हमारी 80% कुक हुई हुई है। अब हम इसको 20% कुक करना है। मीडियम स्लो आंच पर इसको पकाएंगे मटर गोभी सॉफ्ट होने तक। 4-5 मिनट के लिए ढक के हमने गोभी को पका लिया है। ये हमारी गोभी बन के तैयार हो गई है। गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। कीमा गोभी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मैं गैस को बंद कर दूंगी और एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट कीमा गोभी बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।